शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका ये सीट खोल लेंगे। ये चीज देख रहे हैं आप, ये ऊपर की साइड जा रहा है ये, जबकि लेवल में इस थोड़ा सा डाउन होना चाहिए और ये ऊपर होना चाहिए। इसको ऊपर करने से थोड़ा सा स्पोर्टी लुक अपन बाइक में आएगा। तो फाइनली हमारी बाइक की हाइट ऊपर हो चुकी है। तो वेरी वेरी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरताज और आप देख रहे हो दोस्तों। आज मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को अपनी बाइक पल्सर 150 की टेल को इंक्रीज करके दिखाऊंगा बिना किसी इंक्रीजर की हेल्प के थ्रू। ओके, आप भी इस वीडियो को देख करके आप भी अपनी बाइक की टेल को इंक्रीज कर सकते हैं और एक स्पोर्टी लुक अपनी बाइक को दे सकते हैं। मैंने बहुत गौर करके ही इस चीज़ को निकाला है दोस्तों। पल्सर 150 क्लासिक और पल्सर 150 ट्विन डिस्क जो 2019 में आई है, इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो टेल का ही डिफरेंस है दोस्तों। एक्चुअली जो 2019 और 20 का जो न्यू मॉडल है पल्सर 150 ट्विन डिस्क का, उसकी टेल जो है पल्सर 150 क्लासिक से थोड़ी सी लगभग हाफ इंची टू एक इंची इंक्रीज है, जिससे बाइक का जो लुक है वो बिल्कुल स्पोर्टी लगता है। मैंने इस चीज़ को बहुत सोचा, बहुत देखा, बहुत गौर करने के बाद मुझे ये आइडिया मेरे दिमाग में आया और ये मैंने आपके सामने अपनी वीडियो के थ्रू रख दिया है। ओके, और रख नहीं दिया बल्कि मैंने करके भी दिखाया है। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखें दोस्तों और बीच में स्किप ना। और अगर आप भी अपनी बाइक की हाइट को इंक्रीज करना चाहते हैं पीछे से, जिसकी चेचिस दब गई हो या फिर डाउन हो गई हो, जिसे लगता हो कि मुझे अपनी बाइक की हाइट को इंक्रीज करना चाहिए, तो वो मेरी इस वीडियो की हेल्प से अपनी बाइक की हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को, आप अपनी बाइक की हाइट को लगभग आधे इंची से पौन इंची ही इंक्रीज करें। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आपकी जो टेल, आपकी बाइक की जो टेल का पैनल है वो क्रैक हो सकता है या सेट नहीं बैठेगा। ओके, तो इस चीज़ का आपको खासतौर पर ध्यान रखना है कि आपको आधे इंची से पौन इंची, बोले तो सेंटीमीटर से थोड़ा सा ऊपर तक ही इंक्रीज करना है। इतने में ही आपकी बाइक का जो लुक होगा वो बिल्कुल स्पोर्टी हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका ये सीट खोल लेंगे, उसके बाद ये दोनों ग्रैब रेल खोल लेंगे, फिर अपना ये खोल लेंगे। ओके, ये टेल इसकी खोल लेंगे और टेल खोलने के बाद अपना ये मडगार्ड खोल लेंगे। दोस्तों मैंने इसका ये जो पल्सर 150 का मडगार्ड था जो मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ था वो भी मैंने खोल लिया है। ओके, अब इस पर सिर्फ सिंगल है ये वाला पल्सर NS 200 का। ओके, तो इन सारी चीज़ों को खोलने के बाद ही हम करेंगे। एक चीज़ और दिखा दूँ मैं दोस्तों आप लोगों को, मैंने पहले यहाँ पे ये अपाचे की सॉकर के जो गुटके होते हैं वो लगा रखे थे, अब मैंने वो निकाल करके वापस से अपनी पल्सर 150 वाले ही लगा दिए हैं। ओके, इससे मेरी बाइक का जो ये हाइट है थोड़ा सा कम हो गया था, बोले तो डाउन दिखता था, तो आज मैं आपको वही अपलिफ्ट करके दिखाने वाला हूँ। करके दिखाने वाला क्या हूँ, एक्चुअली मैं कर चुका हूँ, तो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है, तो उस बैलेंस को मैं वापस से ठीक करने के लिए ही इसको, इस पूरे प्रोसेस को दोबारा करके आपको, आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ओके, और इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। और एक चीज़ और, ये चीज़ देख रहे हैं आप, ये ऊपर की साइड जा रहा है ये, जबकि लेवल में इस थोड़ा सा डाउन होना चाहिए और ये ऊपर होना चाहिए, तो ये चीज़ भी मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा, इसको ऊपर करूंगा और इसको डाउन करूंगा। ओके, ताकि ये इसके लेवल में आए और अच्छा लुक दिखे। ओके, इसको ऊपर करने का मेरा एक मोटिव ये है कि इसको ऊपर करने से थोड़ा सा स्पोर्टी लुक बाइक में आएगा और दूसरा जो डाउन सा दिखता है वो डाउन नहीं दिखेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये सीट खोल लेते हैं। अब हमें इसको खोलने के लिए, ये ग्रैपेट खोलेंगे, ग्रैपेट खोलने के लिए हमें 12 नंबर की गोटियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों देख सकते हैं ये 12 नंबर की गोटी है। ओके, ये देखो 12 mm। ओके, ये देखिए इसमें इस तरह से फिट हो जाएगी। तो इसको मैं अभी खोलूँगा कैसे वो फंसाया हमने इसको यूँ। ओके, और देख सकते हैं दोस्तों ये दोनों हमने खोल लिए हैं, ये भी और ये भी। अब हम इन दोनों बोल्ट्स को खोल लेंगे। ओके, ये खोलेंगे हमारे 10 नंबर की गोटी। देख सकते हैं दोस्तों इसमें एक दो वॉशर भी लगे हुए हैं, वो प्लास्टिक के वॉशर हैं, क्योंकि ये अपना जो पैनल है ये प्लास्टिक का है, इसलिए इसमें वॉशर जो है ये प्लास्टिक के वॉशर दिए हुए हैं, ताकि इस पर कोई स्क्रैच ना आए, ये टूटे ना। ओके, इसकी ये जो टेल लाइट है, इस टेल लाइट की वायरिंग को हम अनप्लग कर देंगे। ओके, ये वाली है, इसके बाद में उसको बाहर खींच लेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों इसमें अंदर देख सकते हैं आप, ये इस जगह पे ये देखिए ये हुक भी लगे हुए हैं, तो इसको भी थोड़ा सा मैं खींच के लेना होगा। दोनों साइड में होते हैं ये, उधर भी है, उस साइड भी है और इस साइड भी है। ओके, ये देख सकते हैं ये वाला है, तो इन दोनों को मैं खींच के बाहर निकालना पड़ेगा।
इसके बाद दोस्तों हमें अपना ये रिले भी खोलना पड़ेगा, ये देख सकते हैं आप ये वाला रिले, इसमें भी 10 नंबर की गोटियाँ हैं। अभी मैं इसको फिलहाल नहीं खोलूँगा क्योंकि मुझे इस साइड से वो करना है, तो पहले हम इसको खोलेंगे। ओके, तो इसमें यहाँ पे 8 नंबर की गोटियाँ हैं, ये वाली 8 नंबर की हैं, दोनों साइड में होती हैं। ओके, इन दोनों को खोलेंगे और उसके बाद में ये दोनों भी हम खोलेंगे। ये देख सकते हैं ये 10 नंबर की दो गोटियाँ, दो नट हैं, इन दोनों को खोलेंगे और नीचे भी दो 8 नंबर के, सॉरी हाँ नीचे भी दो, ये देख सकते हैं एक यहाँ है और दूसरा यहाँ है। ये इसी तरीके से हम उस साइड का भी खोल लेंगे। ओके, चलिए हम इसके ये दो बोल्ट भी खोल लेते हैं, 10 नंबर के हैं। ओके, इनको खोलने के बाद भी ये देखिए नीचे नहीं जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा से हुक पे ये थोड़ा सा मतलब हल्का सा लटका हुआ सा रहता है। ओके, बाहर निकालेंगे थोड़ा सा खींचेंगे। अब मैं इसके अपना रेंज लगाऊंगा, आपको तो जरूरत पड़ेगी वो इसकी पड़ेगी, ये देख सकते हैं। और इसको हम लगाएंगे इस तरीके से और अपना इजली हल्का सा। इस तरीके से दोस्तों आप अपनी बाइक की हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हो। ओके, देख सकते हो आपने किसी कितने ऊपर की हुई और मेरा एक थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था, इसलिए मैंने दोबारा से इसको खोला और अपना बैलेंस में करने के लिए, क्योंकि ये एक साइड भाग रहा था। ओके, तो अब मैं इसको लगा के देखता हूँ ये बैलेंस में आया नहीं, थोड़ा सा आउट था, थोड़ा सा डिसबैलेंस था। दोस्तों अभी प्रॉपर बैलेंस के आ गया है और हाइट भी इंक्रीज़ हो गई है, तो अब हम वापस इसको लगा लेते हैं। ओके, इसी तरीके से आप अपनी बाइक की हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, आपका सेम उसी साइज पर रहेगा सब कुछ, आपको कोई गुटके वगैरह लगवाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गुटके लगवाते हैं तो आपकी यहाँ से भी साइज इंक्रीज होते हैं, जिससे आपको बैलेंस बनाने में भी दिक्कत होगा। ओके, और थोड़ी ज़्यादा ऊँची ऊँची सी बाइक लगेगी, तो इसलिए मैंने ये प्रोसेस आपको करके दिखाया है। इस प्रोसेस को खराबियाँ ने भी मना कर दिया था, मतलब जो एक्सपर्ट खराबियाँ जिनसे मैंने बहुत सारे काम करवाया उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल फिक्स होता नहीं होगा, तो मैंने खुद से ही ट्राई किया बहुत सोचने के बाद। चलिए अब मैं इसको वापस लगा लेता हूँ, ज़्यादा कुछ करना नहीं है ना, अब मैं इसके नट बोल्ट लगा दूँगा। फिर चलिए लगा लेते हैं, सबसे पहले मैं ये पीछे के दोनों बोल्ट लगा दूँगा यहाँ पे। कैसे मैंने टाइट नहीं किया, मैं पेचकस में गोटी फंसा करके टाइट कर रहा हूँ। ओके, चलिए इस जगह पर हम लगा लेते हैं 8 नंबर। इसके नीचे के दोनों 8 नंबर की लगा लेते हैं। तेल सेट करते हैं हमें चीज़ ध्यान रखने के लिए, तेल लाइट की जो वायर है वो यहाँ से अंदर जाएगी, उसका हमें खासतौर पर ध्यान रखना है। चलिए लगा लेते हैं इसको। मैंने इसकी ये देख सकते हैं आप, ये रबड़ मैंने इसकी ठीक कर ली है, दोनों साइड में होती है, इस साइड भी होती है। ओके, ये देख सकते हैं आप। चलिए इसे लगा लेते हैं। थोड़ी सी दिक्कत होने वाली दोस्तों, तो इसको हम खोल लेंगे एक बार फिर से। ओके, इसको खोलने के लिए मेरे पास कोई पाना नहीं है, तो मैं इसको फिर से खोल के देखता हूँ। खुल गया तो बहुत अच्छी बात है, खुल गया। अब हमारा ये पॉइंट लग जाएगा, तो चलिए अब हम इसको सेट कर लेते हैं। तो लगभग मेरा ये भी सेट हो गया, वो भी सेट हो गया, अब हम इसके दोनों ये स्क्रूज लगा लेंगे। ओके, चल देख सकते हैं दोस्तों हमने ये सेट कर लिया है। ओके, अब हम इसका ग्रैब रेल लगा लेते हैं। तो ग्रैब रेल को मैंने कहा था आपसे कि मैं ऊंचा करके दिखाऊंगा, मतलब आगे से ऊंचा और पीछे से नीचा, है ना, वो हम करेंगे वर्सेस की हाइट। ये देखिए, है ना, लेवल में आ गया है, आपने देखा था पहले ये ऊंचा था, अभी लेवल में आ गया है। और इसी तरीके से हम दो वॉशर ये वाले उस साइड लगाएंगे। ओके, तो चलिए देखें, एक वॉशर हम यहाँ से इस तरीके से, सॉरी गिर गया, सॉरी दोस्तों कैमरा ऑफ हो गया था, मैंने ये आगे की तरफ में दो वॉशर लगा दिया,
और पीछे बिना वॉशर के रहने दिया। उसी तरीके से इसमें भी मैंने आगे की तरफ दो वॉशर इसके नीचे लगा दिए हैं और पीछे मैंने कोई भी वॉशर नहीं लगाया। तो इससे इसका लुक देखिए ये ऊपर हो गया है और ये देखिए ये ऊपर हो गया है और ये डाउन हो गया है, देख सकते हैं आप इसका, ये देखिए है ना डाउन है, जिससे ये लेवल में लगा है। और उसी तरीके से इसमें भी है, देख सकते हैं आप लोग है ना, ये अभी ऊँचा था अभी ये लेवल में आ गया है, तो इससे लुक और भी ज़्यादा स्पोर्टी हो गया। ओके, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों जिस पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ और जिसकी वजह से लुक भी आता है गाड़ी का, नहीं तो बिल्कुल ही मॉडिफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं। हम चीज़ें तो लगा देते हैं लेकिन कोई बेनिफिट नहीं होता। ओके, बिल्कुल ही अलग से पता लग जाता है कि हाँ ये चीज़ हटके है, मॉडिफाई करी हुई है, लेकिन अब मैंने जो किया है उसमें कोई भी ये नहीं पता लगा सकता कि इसमें मैंने कोई मॉडिफिकेशन किया। ओके, चलिए अब हम इसका ये साइड गार्ड लगा लेते हैं। अब हम इसकी सीट लगा लेते हैं दोस्तों। एक चीज़ और, सीट थोड़ी सी अब इसकी वो बड़ी हो जाएगी जो हम जो मैं ये वाली यूज़ करने वाला हूँ, ये थोड़ा सा इसका साइज़ कम हो जाएगा क्योंकि ये फोल्ड होने पर थोड़ा सा ऊपर आएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं, लगाते हैं। लेकिन सीट लगाने से पहले अब हम इसकी वायरिंग भी जोड़ लेते हैं। सीट भी लग गई दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग सीट लग चुकी। तो दोस्तों फाइनली हमारी बाइक की हाइट ऊपर हो चुकी है, देख सकते हैं आप लोग कितना स्पोर्टी लुक आया हुआ है। ओके, और ये बीच में आप देख सकते हैं सीट के बिल्कुल बीचों बीच में वो किस तरीके से, मतलब थोड़ी सिलवट आई हुई है, वो इसलिए क्योंकि सीट थोड़ी सी बड़ी पड़ रही है और मैंने इसको ऊपर उठाया, तो अब मुझे इसे स्प्लिट सीट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा और मुझे इसमें स्प्लिट सीट लगानी ही पड़ेगी। ओके, तो लुक भी अच्छा हो जाएगा और बाइक भी बिल्कुल स्पोर्टी लुक में लगेगी। अब आप देख सकते हैं टेल कितनी अच्छी, बिल्कुल मतलब स्पोर्ट लुक में बिल्कुल हो गई है। ओके, देख सकते हैं आप लोग, वही सॉकर है, वही साइड गार्ड है। ओके, बिल्कुल पल्सर 180 का लुक हमारी बाइक अब हमें दे रही है और एक तरह से कह सकते हैं अपग्रेडेड पल्सर 150 ट्विन डिस्क। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको स्प्लिट सीट इंस्टॉल करके दिखाऊंगा इसमें। तो फाइनली दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएं। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, कुछ नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सलाम और